जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। दिल्ली कॉइंस एग्जीबिशन आ चुका है। इससे पहले हमने आपको 786 वाले नोट के बारे में बखूबी जानकारी दे दी, तो आज हम बात करेंगे स्टार नोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में ये स्टार नोट है और दो नोट है। इनमें कौन से नोट रेयर है और किस नोट की ज्यादा कीमत है, सब चीजें आपको A to Z बताएंगे। तो दोस्तों जो भी साथी दिल्ली कॉइंस एग्जीबिशन जा रहा है वो हमारी ट्रीटमेंट YT के नाम से इंस्टाग्राम ID है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी हो सके हम उतनी मदद करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो भी जा रहे हो वो कांटेक्ट एक बार कर लेना। तो हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों, मेरे हाथ में ये स्टार नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक 10 रुपए का है और एक 50 रुपए का है। आप लोगों के पास में भी स्टार नोट होंगे, दिल्ली कॉइंस एग्जीबिशन के अंदर आपके स्टार नोट बिकेंगे, 786 वाले बिकेंगे, या फिर इनके अलावा कौन कौन से नोट या कौन कौन से सिक्के बिकेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इससे पहले ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में, क्योंकि खूब सारे लोगों के यही सवाल है कमेंट के अंदर कि ट्रैक्टर वाला नोट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपके पास में सिंपली नोट है, सिंगल नोट है, तो नहीं बिकेगा। अगर गड्डी है 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट की, तो आपकी बिक जाएगी। इनके अलावा ट्रैक्टर वाला नोट जो है उनके अंदर R इनसेट और YB रेडी के सिग्नेचर वाला नोट है, तो 200 से 250 रुपए तक आपका एक नोट भी बिक जाएगा और दूसरे जो नोट है वो नहीं बिकेंगे। दूसरा सवाल जो था माता वैष्णो देवी वाला सिक्के को लेकर, तो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का जो है आपका वैसे लाखों या हजारों रेट बताई जाती है, लेकिन आपका माता वैष्णो देवी वाला सिक्का 6 से 7 रुपए तक बिकेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं बिकेगा। हो सके तो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के आप लेके भी मत जाना। तो दोस्तों ये रंग फेर हो रहा है 1, 2, 3 दिसंबर को, और सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम RTO के पास में ये कॉइंस एग्जीबिशन यानी ये मुद्रा प्रदर्शनी होने वाली है। तो अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टार नोट है, आज जो हमारा मुद्दा है स्टार नोट को लेकर, तो ये जो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है जो नोट होते हैं वो एकदम अच्छे UNC कंडीशन के होने चाहिए। दूसरी चीज असली नोट होने चाहिए। अब ये जो मेरे पास में, इसमें आप देख पा रहे हो एकदम सिंपली स्टार नोट दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल जो स्टार नोट होते हैं देख सकते हो, यानी प्रीफिक्स नंबर के जस्ट पीछे स्टार है। लेकिन अब ये जो नोट है इसका कीमत क्या होगा स्टार नोट की, तो इसकी कीमत 50 रुपए का नोट है तो 60 से 70-80 रुपए तक इसका कीमत होगा। इनके अलावा इससे डिफरेंट कुछ और है, ये जो 10 रुपए का मेरे पास नोट है ये कंडीशन तो इसकी UNC नहीं है, फाइन कंडीशन का ये नोट है। इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार स्टार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो सीरियल नंबर और प्रीफिक्स नंबर के बीच में आपको स्टार नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों जो स्टार नोट होते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था कि स्टार नोट जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन ये 10 रुपए का नोट मेरे पास है, इसकी कितनी वैल्यू मिल सकती है, आपके पास में भी ऐसे नोट होंगे, तो इसके लिए जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपको वैसे मैंने बताया था स्टार के साथ में 786 हो या फिर मिसप्रिंट, कटिंग एरर, ये सब हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास में ये नोट है आज ही मुझे मिला है, किसी मेरे सब्सक्राइब फैमिली के मेंबर ने मुझे दिया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखना जो प्रीफिक्स नंबर है, इस जगह आपको दिखाई दे रहा 02F, 02F आगे स्टार। ये बात मैंने पहले ही कही थी कि 02F सीरीज वाले नोट महंगे हैं, और महंगे नहीं खूब महंगे हैं। तो आज मुझे मिला है 02F वाला ये नोट, और इसके साथ में खूबी देखो स्टार वाला 02F वाला नोट मुझे मिला है। तो ये नोट देखते हैं कितनी वैल्यू में जाता है, कितनी इनकी वैल्यू हो जाती है, ये सब चीजें हम एग्जीबिशन से पता करेंगे कि वास्तविकता में जो धरातल पे क्या चीज है, जो लोग वीडियोज में बताते हैं इनके अलावा ये क्या चीज है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपके पास में जो भी अभी स्टार वाला नोट है, मुझे पता है आप लोग अभी देख रहे हो अपने नोट या अपने कलेक्शन को, तो आप लोग चेक करो कि आपके नोट में भी 02F यानी जो यहाँ पे प्रीफिक्स नंबर है, इस जगह 02F लिखा होगा, इसके आगे स्टार है, ये चीजें आपको देखनी है। अगर 02F वाला है तो आप लक्की जो कलेक्टर सो लक्की आदमी हो, क्योंकि आपका भी किस्मत वास्तव में पलट सकता है। दोस्तों
हम वो झूठ वाला काम नहीं कर रहे हैं जिनकी लाखों या करोड़ों बता देंगे। ना ही रजिस्ट्रेशन चार्ज के बाद लिए बोलते हैं, ना ही किसी को ऑनलाइन सिक्किया नोट बेचने के नाम पे पैसे देने की बात करते हैं। तो बिल्कुल ऑनलाइन जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं, उनसे तो आपको सावधान रहना है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके आपके सिक्किया नोट खरीद ले। तो अब हम बता रहे, फिर से आप देख लेना, इसके साथ में अगर मेरे पास में चलो 02F सीरीज वाला नोट है, और हो सकता है आप लोगों में से खूब सारे लोगों के पास में भी स्टार वाला नोट है, लेकिन यह चीज चेक करना 02F आपके नोट में है कि नहीं है। या फिर आप लोग ये चीज चेक करना कि 786 आपके नोट में है कि नहीं, यानी आप लोगों के नोट के अंदर 02F प्रीफिक्स नंबर स्टार मार्क वाला नोट या फिर और साथ में 786 सीरियल नंबर वाला नोट है या फैंसी नंबर वाला नोट है, तो 2200 टका, सुन लेना एकदम सही सही बता रहा हूं, उसकी कीमत हजारों में जाने वाली है। लेकिन आप लोग इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नोट का कंडीशन क्या है, आपके नोट का कंडीशन क्या है, आपके नोट में वास्तव में ऐसी चीजें हैं या फिर आपके जो नोट आपके पास में है वो किस प्रकार से आपने रखा है, या कटिंग एरर है या मिसप्रिंट है, ये सब चीजें आप लोगों को जानना है, तब जाके आपका ये नोट इतना महंगा बिकेगा। आप लोग जब ये पूरी जानकारी ले लोगे, क्योंकि स्टार नोट के साथ में कुछ अलग से होना चाहिए। स्टार तो होता है, बहुत से नोटों में पाया जाता है, लेकिन स्टार के साथ में अगर दूसरी खूबी या तीसरी खूबी पाई जाती है तो वो वास्तव में वो नोट महंगा हो जाता है। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को स्टार नोट के बारे में हमने दी है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी वैल्यूएबल लगती है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक से अनुमान हम लगाएंगे कि वास्तव में हम जो जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं वो आप लोगों को कैसे लगती है। तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट खूब सारे आते हैं, हम पढ़ नहीं पाते, तो आप लोग लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा नए नए तरीके से सिक्के या नोट या जो भारतीय करेंसी है उनसे रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो लेके आता है। तब तक इस वीडियो में भाई साहब धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राम राम।